कंपनी अपने किसी भी एसेट को नहीं भूलती, पहली चीज। और दूसरी बात यह कि अब हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हम बीएफआईसी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी यूटिलिटीज डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल एफएक्स की अगर बात करें, ये जो ओके एफएक्स कंपनी लॉन्च करने जा रही है, अगले 10 दिन में आप लाइव कर देंगे, इसका सारा सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुका है। सिर्फ इसमें हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम इसमें ऐसा क्या सिस्टम डालें कि जिन लोगों ने एफएक्स करनी है वो एफएक्स करें, लेकिन हमारे लोग उसमें से बेनिफिट उठाएं। हम इसमें जो प्रमोशन और जो इस तरह की चीजें, हम उसको जरा थोड़ा सा कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने अपने लोगों के बेनिफिट की क्या चीजें ऐड करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे लोग, हम चाहते हैं इनकी एक लाइफ टाइम इनकम बने और रेगुलर इनकम बने। देखे जो लोग फॉरेक्स करने वाले हैं वो फॉरेक्स से पैसे कमाए, और फॉरेक्स नो डाउट एक $8 trillion की इंडस्ट्री है। और अगर हम ज्यादा नहीं देखे, फॉरेक्स की इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं, छोटे छोटे ब्रोकरेज हाउस होते हैं, ठीक है, और वो बहुत डिफरेंट तरह के स्कैम्स कर रहे हैं। आपको मैंने शायद कभी बताया कि नहीं बताया कि मुझसे अक्सर लोग फॉरेक्स वाले आके मुझे इनविटेशन देते थे कि भाई फॉरेक्स में आप अकाउंट कर लें, आप ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, इतने पैसे बनाएंगे। मैं उनको एक बात कहता था, मैं कहता यार आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप शायद मुझे जानते नहीं है। लोगों ने, आपने फॉरेक्स सीखी होगी करके, ठीक है, आप ट्रेड करते होंगे वहां पे फॉरेक्स सीखी होगी, लेकिन मैंने फॉरेक्स सीखी है ब्रोकर की सीट के ऊपर बैठ के। तो मुझे इसके सारी चीजें पता है और मैं बड़ा अपने आप में, हर बंदा एक्सपर्ट होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे फॉरेक्स बहुत अच्छी आती है, ठीक है। तो एक मेरी एक्सपर्टीज थी, अब हम उसको इसमें डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं? देखिए ये रोड में हमें बहुत पुराना था, जाहिर अगर हमने MT5, जो लोग फॉरेक्स को समझते हैं, हमने MT5 का अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, हमने मार्केट से वो जो MT5 का रेंट पे मिलता है वो नहीं लिया, हमने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। अब ये अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने के पीछे हमारी एक बहुत लंबा टाइम लगा है। तो बहुत सारे लोगों को एक ये क्वेश्चन मार्क था कि यार इनोवेशन फैक्ट्री ने 250 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, इतनी बड़ी डेवलपमेंट टीम है, इतना सारा कुछ है, तो ये प्रोजेक्ट डिलीवर क्यों नहीं कर रहे? तो जैसा कि आपको कई दफा बताया कि भाई डेवलपमेंट हो रही है, जो चीजें स्क्रैच से हो रही होती है तो उनमें टाइम लगता है। अब आप देखिए हमारे सिस्टम में बहुत सारे ग्लिचेज आते थे, बहुत सारे इश्यूज आते थे, बहुत सारी चीजें आती थी। अब ये रिसेंटली आपने जो प्रोजेक्ट देखे, फॉर एग्जाम्पल बी